स्वास्तिक, स्वास्तिक से किस तरह से आप लाभ उठाएंगे, ठीक है, स्पेशली बिजनेस रिलेटेड काम चल करते हो, बिजनेस रिलेटेड काम करते हो इन द सेंस कि आपकी अपनी दुकान हो या ऑफिस हो, ठीक है, तो जिस दिशा में आपका डोर है, दरवाजा, नॉर्मली हर हिंदू के घर में आपको स्वास्तिक दिख जाएगा, दरवाजे के साइड में स्वास्तिक और शुभ लाभ, या ऊपर में स्वास्तिक दिखता हुआ रहेगा। लेकिन हमें ये ठीक करना है कि उस स्वास्तिक का सही इस्तेमाल कैसे हो, और जब भी आप लोग अपने दरवाजे के ऊपर स्वास्तिक बनाएं तो कोशिश ये करें कि वो बड़ा होना चाहिए, बड़ा साइज में बड़ा दिखना चाहिए। कई लोग छोटा सा बना देते हैं, बस हो गया, नहीं, उसको जब भी बनाए ना रौली हल्दी और ये सब डाल के, तो बड़ा बनाइए जो कि विजिबल हो, आंख में दिखे साफ, ठीक है। अगर आपके घर का जो मुख्य द्वार है वो पूर्व दिशा से लेकर पूरब से लेकर दक्षिण तक हो, तो आपको रेड कलर का स्वास्तिक बनाना है, दक्षिण तक रहे, चारों दिशाओं का मैं बता देता हूँ, मोटा मोटा बता रहा हूँ, पूरा स्पेसिफिक 16 दिशाओं का नहीं बताऊंगा, सिर्फ चार दिशा का ही मैं बता देता हूँ, स्पेशली जो कोण में पड़ते हैं, क्योंकि मुख्य द्वार अगर सही सही दिशा में, जैसे उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में है, तब तो वो फैंटास्टिक है घर, कोई इशू नहीं। लेकिन कहीं भी कई बार मैक्सिमम आज के केसेस में क्या है कि फ्लैट वगैरह में कुछ भी सही नहीं रहता, वो किधर किधर रहता है, कभी इधर रहता है कभी उधर रहता है, डिग्री के लिए बहुत मूव होता है वो। तो अगर कभी भी मुख्य द्वार पूर्व दिशा से लेकर दक्षिण दिशा तक के बीच में रहे, तो आपको रेड कलर का स्वास्तिक ड्रॉ करना है, बनाना है। कई लोग टाइल का पीस लाते हैं वो लगा देते हैं, वो भी चलेगा, लेकिन अपने हाथ से बनाया हुआ स्वास्तिक ज्यादा प्रभावशाली होता है, ठीक है, अपने हाथ से बनाया हुआ स्वास्तिक ज्यादा प्रभावशाली होता है। उसके बाद अगर किसी का मुख्य द्वार दक्षिण से लेकर पश्चिम के बीच में है, दक्षिण से लेकर पश्चिम के बीच में है, तो गोल्डन कलर का स्वास्तिक बनाइए, या ब्रास का स्वास्तिक आता है, जैसे इससे पहले जो मैंने बताया कि पूरब से लेकर दक्षिण के बीच में वहां पर कॉपर का स्वास्तिक भी आप लगा सकते हैं, बड़ा होना चाहिए। अगर आप मेटल यूज कर रहे हैं तो मेटल का साइज कम से कम 6 इंच लंबा 6 इंच चौड़ा होना चाहिए, साइज बड़ा होना चाहिए। ठीक है, और अगर दक्षिण से लेकर पश्चिम के बीच में है तो कांसे का, ब्रास का या गोल्डन कलर का स्वास्तिक आप लगा सकते हैं, हाथ से ड्रॉ भी कर सकते हैं। इवन पश्चिम से लेकर उत्तर तक की दिशा में भी हम लोग ब्रास का ही स्वास्तिक यूज कर सकते हैं, यूज करेंगे, एक्चुअली गोल्डन कलर ही होना चाहिए पश्चिम से उत्तर तक, सिर्फ उत्तर से लेकर पूर्व तक का जो एरिया आता है वहां पर थोड़ा मेटालिक चलेगा, मेटालिक मतलब स्टील टाइप, स्टील जैसा, स्टील का भी स्वास्तिक बना हुआ आता है। देखो स्वास्तिक का फंक्शन क्या है, स्वास्तिक का फंक्शन यह है कि अगर आप स्वास्तिक को रख के बहुत तेजी से स्पिन करेंगे तो वो पेंटागॉन बनाता है, पेंटागॉन शेप। आप लोग एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, किसी भी गोल चीज पे आप ऊपर स्वास्तिक लगाइए, या फैन का जो निचला हिस्सा होता है वहां पे स्वास्तिक लगाइए और फैन को घुमाइए, फैन जब ऑन करेंगे तो घूमेगा, और वो स्वास्तिक जब बहुत तेजी से घूमता है तो एक पेंटागॉन का शेप बनता है, 6 भुजाओं वाला पेंटागॉन, ठीक है। पेंटागॉन का मतलब होता है सुरक्षा और बैलेंस, प्रोटेक्शन एंड बैलेंस। तो कभी भी वास्तु दोष दिख रहा है मुख्य द्वार में स्पेशली,
तो वहां पर स्वास्तिक को स्थापित कीजिए। आपका वास्तु दोष, मतलब पर्टिकुलर उस जोन से रिलेटेड वास्तु दोष बैलेंस, ठीक है, वहां उस द्वार की वजह से जो जी नुकसान हो रहा था वो अगले 15 दिन से लेकर 3 महीने के बीच में धीरे 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 हट हो जाएगा, कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। स्वास्थ्य इतना प्रभावशाली है। जो लोग, जिन लोगों का मशीनरी का काम है, फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग का काम है, एनी काइंड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि बिना फैक्ट्री और बड़े मशीन से मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता है, वो हमेशा अपने मशीन का जो मेन स्विच होता है बटन, वहां पर स्वास्तिक बनाए, और वो भी रेड कलर का। वहां पर दिशा का ज्ञान जरूरी नहीं है, सिर्फ आपको बनाना है अपने हाथ से, रॉली से स्वास्तिक बनानी है, उसका जो मेन स्विच रहेगा वहां पर। इवन घर में जो हम लैपटॉप कंप्यूटर यूज करते हैं, ठीक है, और वो बार बार बिगड़ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, अभी इसको ठीक किया तो कीपैड खराब हो गया, कीपैड ठीक किया तो फैन खराब हो गया, कुछ ना कुछ हमेशा लैपटॉप मशीन में चल रहा है, ठीक है, उसके लिए तो हम लोग स्वास्तिक रॉली लगा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा बिजली फिजली है इसलिए साफ नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। क्या होगा उसका एक सिंपल सोल्यूशन है, आप व्हाइट पेपर में रेड कलर के मार्कर या स्केच पेन से एक स्वास्तिक बना ले, ठीक है, और उसको लैपटॉप कंप्यूटर के ऊपर लगा दें। जैसे अगर डेस्कटॉप है तो जो सीपीयू है उसके ऊपर लगा चिपका सकते हैं टेप से, या जो मॉनिटर है उसके बैक साइड में चिपका सकते हैं। अगर लैपटॉप है तो लैपटॉप के ऊपर, या फिर जहां कीपैड का जगह है छोटी सी, वहां पर भी एक छोटा सा स्वास्तिक बना के चिपका सकते हैं। ये जबरदस्त काम करता है, जबरदस्त। आप लगाएंगे, जिस समय लगाएंगे अगले 1 से 2 घंटे के अंदर उस लैपटॉप कंप्यूटर का एक्शन दिखेगा, दिख जाएगा, इतना जबरदस्त काम करता है स्वास्तिक। अच्छा, ये कह रहे हैं ऑनलाइन बिजनेस का बताइए सर, स्वास्तिक काय का लेना है उसमें, किसमें? ये जो स्विच के ऊपर लगाना है आपने अभी बात किया वो। अच्छा, कंप्यूटर लैपटॉप के ऊपर? हाँ, आपको कुछ नहीं हो, कंप्यूटर लैपटॉप के ऊपर अगर कर रहे हैं तो एक व्हाइट पेपर में रेड कलर के मार्कर या स्केच पेन से ड्रॉ कर लेना, बिल्कुल, और उसके ऊपर चिपका देना, चिपका देना, सिंपल, ठीक है। लेकिन करना अपने हाथ से, कोई स्टिकर खरीद के मत लगाना, स्टिकर काम नहीं करता, उसमें आपकी एनर्जी रहती है, जो आप ड्रॉ करते हैं आपकी आपकी एनर्जी होती है। स्टिकर तो बतेरे मिलते हैं, बहुत मिलते हैं, आप ऐसे ले जाके लगा सकते हैं, लेकिन वो फायदा नहीं करेगा। नहीं, पिरामिड का भी मिलता है ना सर? हाँ, पिरामिड का भी मिलता है, लेकिन पिरामिड हाथ से ड्रॉ करें, अगर आप ट्रायंगल बना रहे हैं तो हाथ से ड्रॉ करें, ओके, वो ज्यादा काम करेगा। अगर प्राणिक हीलिंग में भी है ना सर, देखिएगा, अगर आप जैसे हम लोग वो करते हैं पार्थिव शिवलिंग की पूजा करते हैं ना, करते अभी सावन के महीने में करते हैं, जब तक सावन का महीना है, किसी भी चीज से, जिसको जिससे समस्या है, कोई लोग अनाज से पार्थिव बनाते हैं, कोई लोग गंगा की मिट्टी से पार्थिव बनाते हैं, नर्मदा की मिट्टी से भी पार्थिव बनाते हैं, तो बनाने का क्या तात्पर्य है? वो तो शिवलिंग तो वैसे मिल जाता, खरीद के लगा सकते हैं। बनाने का तात्पर्य है कि अपना एनर्जी दे रहे हैं, हम प्रभु को अपना एनर्जी दे के स्थापित कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैरिज के लिए बताइए, क्या मैरिज के लिए शादी नहीं हो रही है बताना है, या शादी हो गई है बीच में कलेश हो रहा है वो बताना है? दोनों। आज ही एक ही दिन सब कुछ चाहिए। हाँ बताइए। सर आवाज गई आपकी? हेलो 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 हेलो। हाँ अभी आई। अच्छा, नेट वीक है, इंटरनेट। अगर जिन लोगों की शादी नहीं हो रही है, मांगलिक दोष है, सप्तम भाव गड़बड़ हो रहा है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पाप ग्रहों की दृष्टि की वजह से नहीं बन पा रही है बात, ठीक है, या
खुद के किसी रिश्तेदार ने आपके ऊपर टोना टोटका वगैरह कुछ भी कर रखा हो और आपका हर बार शादी की बात चलती है, बात आगे बढ़ती भी है और फिर टूट जाती है, तो सबसे पहला काम आपको करना है, अगर पॉसिबल है, जो लोग गंगा किनारे रहते हैं तो गंगा में डुबकी लगा के आ जाएं, अगर नहीं पॉसिबल है तो गंगा जल मिलता है, आपको करना यह है कि नहाने वाले पानी में गंगा जल मिलाना है। कैसे गंगा जल मिलाना है? ऐसा नहीं कि पहले पानी डाला फिर गंगा जल डाला, वो काम नहीं करेगा। ब्रह्मवर्तक पुराण में लिखा हुआ है कि गंगा जल में अगर जल मिला के कोई भी कार्य करना है तो सबसे पहले पात्र में गंगा जल को डालें, थोड़ा सा गंगा जल पात्र में या बाल्टी में डालकर फिर नॉर्मल पानी डालिए, तब वो गंगा जल बन जाता है। अगर आप पहले नॉर्मल पानी डाल के गंगा जल डालेंगे तो वो गंगा जल भी नॉर्मल पानी बन जाएगा। तो पहले पात्र में गंगा जल डालें, उसके बाद नॉर्मल पानी डालें, वो गंगा जल बन गया। उससे जातक या जातिका जो भी है जिसकी शादी नहीं हो रही है उसको नहाना है लगातार 21 दिन। तो वो करने से सबसे बढ़िया चीज ये होती है, सबसे पहले जो भी कर्म बंधन है वो कटने लगता है, धीरे धीरे क्षय होता है, कमता है। उसके बाद उसमें भी अगर कोई बात नहीं बनती है तो गुरुवार के गुरुवार नहाने वाले पानी में थोड़ी सी हल्दी का पाउडर मिला के नहाए, गुरुवार के गुरुवार।